हेलो एवरीवन, आज इस क्लास में मैं आपको दो फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में बताने लगी हूँ। एक होता है एबिट, एक होता है एबिटा। ये दोनों मैट्रिक्स कहाँ पर यूज होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, कौन इनको यूज करता है, उसके बारे में आज सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इनकी फुल फॉर्म क्या है। एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये कभी भी टू कंपनीज को कंपैरिजन, टू या टू से ज़्यादा कंपनीज को कंपैरिजन करने में और उनकी ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, उसको जानने के लिए ये दो मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो कहाँ पर यूज़ होते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि ये जो कैलकुलेट कैसे होते हैं। देखो, मान लीजिए हमारे पास टू कंपनीज है, कंपनी ए और बी। अब कंपनी ए और बी दोनों ही सेम बिजनेस में हैं, राइट? तो उनका रेवेन्यू भी सेम है, रेवेन्यू 1000 है, 1000 है, ठीक है, मिलियंस में, 1000 मिलियन इसका है, 1000 मिलियन इसका है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी उनको ये रेवेन्यू जनरेट करने में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देते हैं। जब हम उस कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों का कॉस्ट भी सेम आ रहा है और उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 550। अभी तक तो मुझे ये लगता है कि दोनों कंपनी सेम है तो मैं किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, राइट? फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके भी 250 हैं, इसके भी 250 हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि भाई जो कंपनीज है दोनों सेम ही चल रही हैं, दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने पर क्या आता है मेरे पास, एबिटा। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये आ गया मेरा एबिटा, दोनों का सेम है। उसके बाद जो है, मैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दोनों में से माइनस कर देती हूँ। यहाँ पर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी दोनों की सेम है, 100 एंड 100, तो एबिट दोनों का सेम आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दोनों का सेम आ गया। फिर यहाँ से माइनस होता है इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर इंटरेस्ट कम है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसका अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो 150 और इसका 50 रह गया। अब टैक्सेस माइनस करते हैं, इसमें से टैक्स जो है वो कम माइनस होगा, इसमें से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका जो नेट इनकम आ रहा है, सारा एक्सपेंस माइनस करने से जो नेट इनकम आ रहा है, वो आ रहा है इसका कंपनी ए का 40 और कंपनी बी का 120। अब इस अगर सिर्फ नेट इनकम मैट्रिक्स को आप अगर आप देखो तो आप कहोगे कि भी कंपनी बी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये जो नेट इनकम है, ये बेस्ट मैट्रिक्स नहीं होता किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए। तो नेट इनकम में क्योंकि इम्पैक्ट आ जाता है आपका, किसका, टैक्सेस का आ जाता है, इंटरेस्ट का आ जाता है। आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप देखो कि वो ऑपरेशनल लेवल पर जिसमें उसका बिजनेस है वो कितना बेटर परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम सिर्फ उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसका प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये टू मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में से कौन सा यूज़ किया जाए। हमेशा ध्यान देना कि अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उस केस में आप जो है एबिटा मैट्रिक्स को यूज़ करके दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखते हो, क्योंकि जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं तो हो सकता है कि एक कंपनी जो है उसने वो अभी न्यू एसेट्स बहुत सारे लिए हैं तो उसका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, राइट? एक कंपनी है जिसके ओल्ड एसेट चल रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन एज कम्पेयर टू न्यू जो एसेट जिस कंपनी ने लिए हैं उसका डेप्रिसिएशन वगैरह कम होगा। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट आ जाता है, तो आप देखना चाहते हो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन को एक साइड पर रख के आप देखना चाहते हो कि जो बिजनेस वो कर रही है उससे वो कितना अर्न कर रही है। तो उस केस में आप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एबिटा मेजर को लेते हो, इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स को यूज़ करते हो। लेकिन कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो उसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता, तो उस केस में इन दोनों को माइनस करके हम एबिट को यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन। फिर हम इन
इसके बिहाफ पर जो है अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कौन सा कंपनी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। देखो एक और रीजन होता है इन दोनों को एक्सक्लूड करने का। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्यों एक्सक्लूड करने कर रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमने तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ना, कि वो बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंटरेस्ट तो एक फाइनेंशियल कंसिडरेशन हो गया ना, कि भाई आपने लोन, किसी ने लोन लिया हो सकता है, किसी ने नहीं लिया हो सकता। हम ये देखेंगे कि जिस बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इंटरेस्ट को आप जो इग्नोर कर देते हो। सेकंड, टैक्सेस को क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि हो सकता है ये कंपनी दोनों अलग अलग कंट्रीज में सिचुएटेड हो, एक कंट्री में टैक्स ज़्यादा हो, एक में कम हो, ठीक है। उस बिहाफ पर भी डिसीजन मेकिंग करना बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा कम के बिहाफ पर करेंगे तो हम उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी से वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई जब कंपैरिजन होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन होता है, वो इन दो मैट्रिक्स पर होता है। अगर आपको ये देखना है कि कोई कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, तब भी आप एबिटा मैट्रिक्स को यूज़ करते हो। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री या कैश फ्लो आपको जनरेशन देखना है किसी भी बिजनेस का, कि वो बिजनेस कितना कैश जनरेट कर सकता है, तब भी आप एबिटा को यूज़ करते हो। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तब आप एबिट को यूज़ करते हो। तो ये टू फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है यहाँ पर आप यूज़ करके किसी भी टू कंपनीज का कंपैरिजन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हम एंटरप्राइज वैल्यू लेते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियोज लेते हैं। तो ये सारे मैट्रिक्स जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं उसमें डिस्कस करते हैं, और कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी डिस्कस किया जाता है आपकी CFM की क्लासेस में। ओके, आज के लिए इतना ही, बहुत है।